हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट अस लर्न इज और आर। इज का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा और आर का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा। आज हम बच्चों को सिखाएंगे इज और आर का यूज़। तो द बॉल इज इन द बिन। बॉल कहाँ पे है? बिन के अंदर। इंच इन द बिन। तो बॉल क्या है? एक। कितनी बॉल्स हैं? वन बॉल है। जैसे एक किसी एक सिंगल चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस का यूज करेंगे। जैसे द बॉल एक बॉल है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? द बॉल इज इन द बिन। तो सिंगल चीज के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, द बॉल। ऐसे ही द स्टार इज इन द स्काई। स्टार एक स्टार है ना, यहाँ पे सिंगल वन स्टार है, तो वहाँ पे द स्टार इज इन द स्काई। स्टार कहाँ पे है? स्काई में है। यहाँ पे भी वन स्टार है, इसलिए हम सिंगल चीज के लिए क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। वहाँ पे हमें क्या करना है? इज का यूज करना है। ऐसे ही द डॉग इज ऑन द बेड। क्या है? एक डॉग, एक कुत्ता ऑन द बेड। किस क्या पे है? बेड के ऊपर है। द डॉग वन है ना, तो वहाँ पे वन के लिए किसका यूज होगा? इज का यूज होगा, द डॉग इज। ऐसे ही अब यहाँ पे हो गया इज का यूज। अब जैसे द बॉल्स, बॉल्स ऐसे लगाए यहाँ पे, आर इन द बिन्स, तो बॉल्स हो गई। एक बॉल नहीं है यहाँ पे, क्या कितनी बॉल है? बहुत सारी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, ऐसे लग गया। तो द बॉल्स, तो क्या हो गया? बॉल्स आर। तो एक से ज़्यादा चीज़ होंगी जहाँ पे एक से ज़्यादा के लिए हमें आर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी बॉल्स है? टू बॉल्स है। तो द बॉल्स आर इन द बिन। यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। द स्टार्स आर इन द स्काई। स्टार्स सिंगल स्टार नहीं, यहाँ पे ऐसे लग गया। कितने स्टार हैं? वन टू थ्री फोर। यहाँ पे स्टार्स क्या है? एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। इसीलिए स्टार ऐसे लग गया, वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। और सिंगल पर्सन या सिंगल चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। द डॉग्स आर ऑन द बेड। द डॉग्स, डॉग्स ऐसे लग गया, यहाँ पे कितने डॉग्स आ गए? टू डॉग्स आ गए, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। ऑन द बेड डॉग्स आर। तो इसीलिए ये हो गया, सिंगल चीज के लिए हम क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा चीज के लिए हम आर का यूज करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल के रूप में हम क्या करेंगे? दोबारा से प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे बच्चों को हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, इससे वो जल्दी उसमें सीखेगा बच्चा। दिस यहाँ पे क्या है? वन रोज है, तो हम किसका यूज करेंगे वन रोज के लिए? दिस इज ए रोज। ऐसे दिस वन कहाँ पे है? वन है ना, तो वन के लिए हम किसका यूज करेंगे? इज। दिस इज ए वैन। ऐसे दीज रोजेज ऐसे लग गया ना, टू रोजेज हो गए, एक से ज़्यादा रोजेज हो गए, तो हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। दीज आर रोजेज। दिस इज एन एग्स। यहाँ पे सिंगल चीज है, एग एक ही तो है, तो यहाँ पे किसका? इज का। दिस इज एन एग्स। दीज आर एग्स। दीज आर एग्स। एक से ज़्यादा एग्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आर का यूज होगा। दीज आर वैन्स ऐसे लग गया, टू वैन्स हो गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। दिस इज ए गर्ल। दिस इज ए गर्ल, ये क्या है? ये एक लड़की है। दिस इज ए गर्ल, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। दीज आर गर्ल्स,
तो यहाँ पे क्या है, टू गर्ल्स होगी, एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो होपफुल होगी, आपके लिए कुछ बेनिफिट्स लेके आएगी। तो ऐसे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ बच्चों के लिए अच्छा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।